हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी मोहम्मद बिलाल एंड यू आर वाचिंग टू गेट नॉलेज चैनल। गाइस, अपना लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम लोग एलिमेंटर के टेक्स्ट विजिट के बारे में आज स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक बैकग्राउंड इमेज लगाना देखी, किस तरह लगाते हैं, और हम लोगों ने हेडिंग के बारे में पढ़ा कि किस तरह से अपनी वेबसाइट पर हम एलिमेंटर के थ्रू हेडिंग ऐड कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट विजिट के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई पैराग्राफ लिखना हो तो किस तरह से टेक्स्ट विजिट को यूज़ करते हैं। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है। आपके पास यहाँ पे मेन्यूज वगैरह सारा कुछ आ रहे होंगे। मेरी उस चीज़ के साथ कोई भी अब कह लो कि नहीं है। मैं अब डायरेक्ट आपको सिर्फ एलिमेंटर के विजिट्स के बारे में ही पढ़ा रहा हूँ। तो थीम की कस्टमाइजेशन आप लोगों ने खुद करनी है, सही है? और इसमें यहाँ पे पेज वगैरह, फुटर वगैरह, वो भी बाकी इस थीम के भी मैं एंड पे कर दूंगा। सो अगर आप लोगों को अभी ये थीम की कस्टमाइजेशन के बारे में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप लोग प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं उनको देख सकते हो। हर लेक्चर में स्टेप बाई स्टेप हर चीज़ को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ से अब सर हम क्या करते हैं कि हमें आ रही है कॉल, तो एक कॉल पहले अटेंड कर लें यहाँ से जाके वीडियो। ओके, तो आप लोगों को पता है कि सर यहाँ से अपनी वेबसाइट के हमने डैशबोर्ड में जाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे एडमिन, और ये आपको पता है कि सबसे पहले जब भी हमने वेबसाइट को चलाना है तो हम लोगों ने जैम सर्वर को ज़रूर स्टार्ट करना है। अगर आप लोग एलिमेंटर पे लेक्चर ले रहे हैं तो इन चीज़ों का तो आपको पता ही होगा, या तो आप लोग होस्टिंग पे ऑनलाइन काम कर रहे हो या फिर जैम सर्वर पर अभी कर रहे हो, तो फिर आपको उन चीज़ों का ज़रूर पता होगा, नॉलेज होगा। सो यहाँ से मैं अपने पेजेस में जाके सर जल्दी से अपना पेज ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरी वीडियो लेंथी ना हो। जल्दी जल्दी हम काम करते हैं। यहाँ से होम के पेज पे इसको एडिट, दो मेथड होते हैं पेज को व्यू करने के। एक तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो एडिट विद एलिमेंटर, ये फ्रंट व्यू से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप बैक एंड से इसको व्यू कर सकते हो। और जैसे ही आपका पेज बैक एंड से, अगर आप बैक एंड से पेज एडिटर के थ्रू ओपन करते हो तो आपके पास यहाँ पे बटन आ जाएगा एडिट विद एलिमेंटर का। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सर आपके पास एक नई विंडो आ जाएगी जिधर एलिमेंटर के सारे विजिट्स आपको शो हो जाएंगे। 2 मिनट। ओके सर, यहाँ पे आपको बताया कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग प्लस पे क्लिक करके आप लोगों के पास सारे लेआउट्स आ जाते हैं कि किस टाइप का आपको लेआउट चाहिए। सही है, मुझे लेट सपोज आज मैंने टेक्स्ट विजिट यूज़ करना है, तो टेक्स्ट विजिट के लिए फिर मैं अगेन एक रो ले लेता हूँ। ठीक है, रो, एक सिंगल रो ले ली मैंने यहाँ पे। अब रो के अंदर मैंने क्या यूज़ करना है, टेक्स्ट विजिट को बेसिकली आपको डिफाइन करना है। तो सर यहाँ पे आपके पास डॉट्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास तमाम एलिमेंटर के विजिट्स शो हो जाएंगे। ये वाले जो विजिट्स होंगे जो प्रो वर्जन में आपके पास होते हैं, ठीक है, ये सारे फीचर्स क्या हैं, लॉक हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी आप ये परफॉर्म नहीं कर सकते। ये सारे एलिमेंटर फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो जो विदाउट लॉग हैं हम लोग उनको यूज़ करते हैं। कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बैकग्राउंड इमेज लगाना बताई, बॉर्डर उसके उसकी सारी स्टाइलिंग के बारे में बताया, किस तरह से हम लोग हेडिंग यूज़ करते हैं वो उसके बारे में बताया। वो ये था हेडिंग का विजिट। आज हम लोग टेक्स्ट एडिटर के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर को एक अच्छा गुड लुकिंग बनाएंगे। सो मैं फिर अगेन आज क्या करता हूँ, एक हेडिंग अपनी यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी हेडिंग को यहाँ से लिखूंगा आवर वर्डप्रेस क्लास, ठीक है, या आवर को गोली मारो डायरेक्ट से वर्डप्रेस ही आए, वर्डप्रेस क्लास। ओके, तो ये मेरी हेडिंग है। अब इस हेडिंग की स्टाइलिंग के बारे में मैं आपको बताया था कि यहाँ से आप उसका टैग डिफाइन कर सकते हो, H1 रखना है ये। तो H1 हेडिंग जो होती है सबसे बड़ी होती है और H6 सबसे छोटी होती है, लेकिन मैं नॉर्मल यहाँ पे H4 यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। और यहाँ से इसकी अलाइनमेंट के लिए इसको मैं जस्टिफाई का ये बटन होता है और ये होता है राइट साइड, ये सेंटर, ये लेफ्ट, तो मैं इसको सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब इसको कलर हम लोग असाइन करेंगे, यहाँ से स्टाइल पे जाके यहाँ से इसके टेक्स्ट कलर के अंदर आके यहाँ से इसको भी मैं टेक्स्ट रेड ही इस हेडिंग को असाइन कर देता हूँ। यहाँ से इसको कलर रेड हो गया। अगर आपको कलर्स के कोड याद हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कोड लिख सकती हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक कोड याद है डार्क ब्लैक का, इसको H4 करेंगे तो कुछ डार्क ब्लैक टाइप हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया है तो यहाँ तक, ठीक है। और अगर प्योर ब्लैक चाहिए तो आप लोग यहाँ पे 000 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब इसको वर्डप्रेस क्लास को भी हम यहाँ से बंद करते हैं। और यहाँ पे इसके टाइपोग्राफी के बारे में आपको बताया था कि साइज इंक्रीज डिक्रीज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई हैं। आप लोग उसको लास्ट लेक्चर को भी देख सकते हो अगर आपको इनका आइडिया नहीं है तो। अब ये मेरी वर्डप्रेस क्लास की हेडिंग आ गया। मैं ये चाहता हूँ कि इसके सेंटर में यहाँ पे अच्छा सा पैराग्राफ लिखा आ जाए, ठीक है। अब पैराग्राफ के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे अगेन अपने यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे इसी रो के अंदर रख देना होगा नीचे, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट एडिटर आ गया। अब इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट एडिटर की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे जो कंटेंट आ रहा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ,
और यहाँ से मैं एक पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कुछ ये वाला, और आप यहाँ पे इसको ड्रॉप कर लो। ठीक है, ये मेरे पास पैराग्राफ आ गया सारा। अब इसमें भी आपके पास हेडिंग किस वाला फॉन्ट साइज रखना है, H3 वाला रखना है या पैराग्राफ। तो ये मेरा पैराग्राफ है तो इसको पैराग्राफ ही करेंगे। इसमें अगर नीचे आ जाएँ तो आपके पास यहाँ पे नहीं है तो ठीक है, इसके स्टाइल विजिट्स पे टेक्स्ट एडिटर को बंद करते हैं और स्टाइल पे जाते हैं। स्टाइल पे जाके इसको अलाइनमेंट यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से जो स्पेस है इसकी इक्वल हो गई है। अगर मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा तो आपका सेंटर में आ जाएगा, अगर लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट पे क्लिक करूँगा तो राइट हो जाएगा, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो मैं इसको सेंटर में ही रखता हूँ। अच्छा जी, इसको टेक्स्ट को कलर भी आप लोग असाइन कर सकते हो, सेम वही मेथड है। ठीक है, ये मैंने इसको टेक्स्ट को कलर असाइन कर दिया। ये टाइपोग्राफी में फिर इसका साइज़ वगैरह आ जाएगा, अगर आपने साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो यहाँ तक ये बल्कि ये ना जो मोस्टली होता है 16 पिक्सल तक होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको 16 कर लेते हैं। और यहाँ पे उसका वेट आ रहा है 900, जिस तरह का भी आप रखना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे लाइन हाइट आ रही है, लाइन को अगर आप ज़्यादा स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ से लाइन हाइट दे सकते हो। ठीक है, ये तमाम CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर किसी को CSS आती होगी तो ये तो उसके लिए हलवा है। और ये लेटर स्पेसिंग, ठीक है, आप लेटर्स के बिटवीन कितनी स्पेस चाहते हो, ये वो चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे अब एडवांस में मेरे पास आ रहा है कि जी मार्जिन और पैडिंग का कंसेप्ट आ रहा है, ये भी हम आज ही देख लेते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आपको नहीं बताया था। मार्जिन में होता है कि ये लेट्स मैं टॉप से मार्जिन दे रहा हूँ, अब ये देखिए जो मेरा टेक्स्ट विजेट है उसको मार्जिन आ रहा है टॉप साइड से, लेकिन क्या हो रहा है कि सारी जगह से इक्वल आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और बाकी को सारे को रिमूव कर दूंगा, जस्ट किधर से रेट मार्जिन टॉप से। मार्जिन होता है कि किसी चीज़ को ऊपर से स्पेस देने के लिए, और पैडिंग जो होती है किसी चीज़ को इनर साइड से स्पेस देने के लिए। अब मैं इसकी भी स्पेस इसको भी देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें इन साइड क्या हो रही है, स्पेस आ रही है इसको। ये आपको कंसेप्ट उस वक्त क्लियर होगा जब आपने इसको बैकग्राउंड कलर को असाइन किया होगा, इस सब अपनी रो को। लेट्स सपोज मैं इस वाली रो को, ये तो टेक ये वाली, इस रो को स्टाइल पे जाके बैकग्राउंड टाइप कलर दे लेता हूँ कोई भी, ये ब्लू टाइप का दे लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये ब्लू। अब अगर इसको मैं इसकी पैडिंग्स वगैरह आपको दिखाऊं तो आप लोग देखें, इसको मैं रिमूव कर दूं तो ये कुछ इस तरह से, और अगर मैं इसकी पैडिंग को रिमूव कर दूं तो कुछ इस तरह से। ये जो आपको खुला खुला नज़र आ रहा है ये आ रहा है आपको जो मैंने लाइन हाइट और लाइन स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग दी थी उस वजह से। अभी मैं इसकी पैडिंग देता हूँ तो ये देखें इनर साइड क्या हो रहा है, स्पेस आ रही है, लेकिन जब मैं मार्जिन पे क्लिक करता हूँ तो आउट साइड भी स्पेस हो रही है। सो आई होप आपको मार्जिन और पैडिंग का कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इमेजेस के बारे में देखेंगे कि किस तरह हम एक तीन कॉलम्स का सेक्शन बना सकते हैं इन साइड किसी एक रो के। सो उस वक्त नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।